तो इस वीडियो में करते हैं एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म साइलेंस मूवी को एक्सप्लेन। और इस कहानी को शुरू करने से पहले हम इस सच्ची घटना के बारे में जान लेते हैं, जो कि दुनिया के सामने आई थी 2005 में, जब एक साउथ कोरियन स्कूल ग्वांगचू इन्हावा पर ये आरोप लगने शुरू हुए कि वहाँ के टीचर्स अपने ही स्टूडेंट्स को अब्यूज करते हैं। और ये आरोप लगाने वाला होता है एक टीचर जो कि वहाँ पर न्यूली ज्वाइन हुआ होता है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस केस में किसी को भी सिवियर पनिशमेंट नहीं मिली थी, पर जब ये मूवी रिलीज हुई तो लोग इतना ज्यादा गुस्सा हुए कि उस कोर्ट के जज को माफी मांगनी पड़ी और इस केस को फिर से रीओपन करवाया गया। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम भी कहानी पर आते हैं, जो कि शुरू होती है एक हाईवे से, जहां पर एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि शिफ्ट हो रहा होता है ग्वांगचू नाम की जगह पर। और इस टीचर का नाम होता है मिस्टर कैंग, जो कि फिजिकली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जा रहे होते हैं जय अकेडमी। और ठीक इसी स्कूल के एक बच्चे को दिखाया जाता है एक टनल के अंदर जाते हुए, और इस बच्चे को ध्यान से देखने पर हम इसके चेहरे पर मारपीट के निशान देख पाते हैं, जैसे कि किसी ने उसे अब्यूज करने की कोशिश की हो। और ठीक यहीं पर आती है एक ट्रेन, जिससे कटकर उस बच्चे की हो जाती है मौत, और साथ ही उस टीचर के भी कार का एक्सीडेंट होता है, इसलिए वो रिपेयर करवाने के लिए जाता है एक गैराज में। और एक मैकेनिक से उस स्कूल के बारे में पूछता है कि वो यहाँ से कितना दूर है, जिस पर वो पर्सन बताता है कि वो जगह यहाँ से काफी दूर है और वहाँ तक कोई बस भी नहीं जाती, बट अगर वो वहाँ पर जाना ही चाहता है तो वो कोई टैक्सी ले सकता है जो कि आसपास उसे जरूर मिल जाएगी। जिस पर ये टीचर अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से स्कूल की ओर निकल जाए, और ठीक यहीं पर इसकी कार को ठोक देती है एक लेडी, और ऊपर से इसी पर भड़कती है कि उसने अपनी कार पीछे क्यों की, जबकि मिस्टर कैंग ने अपनी कार को स्टार्ट तक नहीं किया होता। और इस लेडी का नाम होता है सीओ, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होती है, और जल्दी ही अपनी गलती के लिए मिस्टर कैंग से माफी भी मांगती है। और सिंस कि इसी की कार की वजह से मिस्टर कैंग की कार का एक्सीडेंट हुआ होता है, वो उसे जे अकेडमी तक लिफ्ट देती है अपने बारे में बताते हुए कि अगर उसे कभी भी उसकी हेल्प चाहिए तो वो उसके नंबर पर कॉल कर सकता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है उस जे अकेडमी के अंदर, जहाँ पर मिस्टर कैंग कुछ बच्चों से मिलते हैं, एंड सिंस कि ये स्कूल सुन ना सकने वाले स्टूडेंट्स की होती है, वो उनसे साइन लैंग्वेज यूज करके हेलो कहते हैं, बट कोई भी स्टूडेंट उसका रिप्लाई नहीं करता, एंड इट्स मोर लाइक कि वो सब लोग डर जाते हैं इसे यहाँ पर देखकर। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होती है प्रिंसिपल के ऑफिस में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर कैंग अपने कॉलेज के प्रोफेसर के रिकमेंडेशन पर यहाँ पर आए होते हैं, और उसके घर की हालत काफी खराब होती है, एंड इवन कि उसकी बेटी भी बीमार होती है। सिंपल शब्द में समझे तो मिस्टर कैंग के पास यहाँ पर काम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, और इसके इस मजबूरी का फायदा उठाता है ये प्रिंसिपल, और उससे $50,000 की मांग करता है काम देने के लिए। साथ ही इसका एक जुड़वा भाई भी होता है, जो कि सेम ही इसी स्कूल का एक मेंबर भी होता है। अभी के लिए सीन यहाँ से शिफ्ट होती है शाम के टाइम, जब मिस्टर कैंग अपनी मॉम को इस पैसे वाली बात को बताता है, जो कि ये बात सुनकर काफी शॉक होती है और इसे एक तरह से पूछती है कि वो यहाँ पर काम करने गया है कि काम देने। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर मिस्टर कैंग एक आर्ट क्लास में उन सभी स्टूडेंट को कुछ ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। और सेम इसी क्लास में इस कहानी के दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिनमें से एक लड़की का नाम होता है योंडू, जो कि बोल और सुन नहीं सकती, तो वहीं इस लड़की का नाम होता है यूरी, और इसे भी सेम ही प्रॉब्लम होती है। और जब ये टीचर योंडू की ड्राइंग की तारीफ करता है तो उनमें से कोई भी इस बात का रिप्लाई नहीं देता, मे बी क्योंकि ये टीचर अभी नया होता है और स्टूडेंट्स को अभी इससे घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है। और ठीक इसी की क्लास में आता है एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, जिसका नाम होता है मिन्सो, और उसके चेहरे को देखकर लगता है कि किसी ने इसे बुरी तरह से मारा पीटा हो, और ये भी सेम बाकी स्टूडेंट्स की तरह कुछ भी बोल या सुन नहीं सकता, इसलिए मिस्टर कैंग एक दूसरे टीचर से इन सब के बारे में पूछताछ करता है ताकि वो उनसे घुल मिल सके। और ये टीचर मिन्सो के बारे में बताता है कि उसके भाई की रिसेंटली एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है, और तब से वो अपने होश आवाज में नहीं है, इसलिए मिस्टर कैंग देर रात तक स्कूल में ही रुककर उन सभी स्टूडेंट्स की फाइल पढ़ते हैं ताकि वो उन सबको जान सके। और जब ये घर के लिए निकलता है तो इसे बाथरूम के अंदर से किसी की आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कि कोई किसी को बुरी तरह से मार पीट रहा हो, जिसे सुनकर जब ये आवाज लगाता है कि कौन है अंदर, तो वो आवाजें आना बंद हो जाती है। और इससे पहले ये अंदर जाकर देखता, ठीक यहीं पर आता है एक वॉचमैन और उसे अंदर जाने से रोक देता है कि वो इस तरह से गर्ल्स टॉयलेट में नहीं जा सकता, और साथ ही वो ये भी कहता है कि उसने कोई भी आवाज नहीं सुनी, इसलिए मिस्टर कैंग उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता अंदर जाने के लिए, और यहाँ से निकलकर घर चला जाता है। जिसे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर एक प्रिंसिपल एक ऑफिसर को रिश्वत दे रहा होता है किसी बात को यहीं पर रफा दफा करने के लिए, और ठीक यहीं पर आता है मिस्टर कैंग पैसों के बैग के साथ, जैसे कि इस प्रिंसिपल ने मांग की थी कि अगर उसे काम चाहिए तो सबसे पहले उसे रिश्वत देना होगा, और इस रिश्वत को वो डोनेशन कहता है इस पुलिस वाले के सामने। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है स्टाफ रूम की ओर, जहाँ पर मिन्सो से मारपीट कर रहा होता है एक टीचर,
और ये सीन एक तरह से भयानक सी होती है क्योंकि कोई भी पर्सन बच्चों को इस तरह से नहीं मारता, पर उस टीचर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से और वो इस पर लात घूसों की बरसात करने लगता है किसी बात को लेकर। और ठीक यहीं पर आता है मिस्टर कैंग जो कि उसे इस बारे में पूछता है कि वो उसे क्यों मार रहा है, जिस पर ये पर्सन कहता है कि वो स्कूल से कहीं पर भाग कर गया था लड़कियों के साथ और ठीक ऐसा ही करने पर उसके भाई की मौत हो गई थी ट्रेन से कटकर। एंड सिंस कि मिस्टर कैंग को कुछ भी पता नहीं होता इन सब के बारे में, वो उसकी बात मानकर उससे कुछ और नहीं पूछता। और यहाँ से निकलकर जब वो घर जाने लगता है तो वो ठीक एक लड़की को देखता है खिड़की के किनारे पर बैठे हुए, जिसको इस तरह से बैठे देखकर वो उसे आवाज लगाता है पीछे जाने के लिए, बट सिंस की वो लड़की सुन नहीं सकती, मिस्टर कैंग सीधा अंदर जाते हुए उसे पीछे खींच लेता है। और ऐसा करते ही वो लड़की थोड़ी सी डर जाती है, जिसका भरोसा जीतने के लिए मिस्टर कैंग उसे एक डॉल देता है। और जैसे ही वो यहाँ से निकल कर घर जाने लगता है वो लड़की उसे रोक देती है यहाँ से ना जाने के लिए और अपने साथ कहीं पर लेकर जाने लगती है, जहाँ पर मिस्टर कैंग को फिर से वही सारे चीखों की आवाज सुनाई देती है। और थोड़ा सा और अंदर जाने पर इसे दिखाई देती है एक लेडी जो कि एक लड़की को बुरी तरह से मार रही होती है वॉशिंग मशीन में डालकर। और ये सब देखकर आवाज उठाता है मिस्टर कैंग, बिकॉज दिस इज समथिंग मोर देन हॉरिफाइंग और इस बच्चे की जान सक जा सकती है इन सब की वजह से। और इस बात पर ये चुड़ैल उसी पर भड़कती है कि वो उसके काम में दखल अंदाजी ना करे, इसी में उसकी भलाई है। और अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वो स्कूल की काउंसलर है और साथ ही प्रिंसिपल की बहन भी, पर मिस्टर कैंग फिर भी उसके खिलाफ आवाज उठाता है कि अगर उसने फिर से उस बच्चे को हाथ लगाया तो वो उसे जेल भिजवा कर रहेगा और उस लड़की को अपने साथ ले जाता है उसके इलाज के लिए। और साथ ही वो सीओ को भी कॉल करता है ताकि वो उसकी हेल्प ले सके इन सब को लेकर। एंड ऑफ कोर्स सीओ काफी गुस्सा करती है इस पर कि वो कर क्या रहा था जब वो लेडी उस बच्ची को मार रही थी। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर प्रिंसिपल बुलाते हैं मिस्टर कैंग को और मिस यून के बारे में बताते हैं कि उसे प्रॉब्लम है बच्चों को लेकर। और कैंग को विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है और वो फिर से किसी पर हाथ नहीं उठाएगी। साथ ही ये उससे उस लड़की के बारे में ही पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, सिंस कि वो पूरी रात घर नहीं आई होती, जिस पर कैंग उसे हॉस्पिटल के बारे में बताता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले गया था और वो कल तक वापस आ जाएगी। और इस बात पर ये दोनों उससे सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं कि वो उसे किस हॉस्पिटल में ले गया था ताकि वो उसे वहां पर जाकर ले आए। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है शाम के टाइम, जहाँ पर सीओ उसे हॉस्पिटल से कॉल करती है और उसे कहीं पर मिलने के लिए बुलाती है कि ये बात बहुत ही सीरियस है, इसलिए कैंग उसे एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर सीओ उसे बताती है कि प्रिंसिपल ने योंडू को सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश की थी बट वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि योंडू अभी सिर्फ एक बच्ची है। और ये बात सुनकर कैंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और उसे पूछता है कि तुमने ये सब कहाँ से सुना, तुमने कहीं ज्यादा तो नहीं पी रखी। और इस बात पर सीओ उसे एक कागज दिखाती है जिसमें योंडू ने सब कुछ लिखा होता है कि कैसे कब और कितनी बार उसके साथ ये सब किया गया। और इस बात पर कैंग उसे पुलिस की बात करता है कि वो सब पुलिस के पास क्यों नहीं गए। और इस बात पर सीओ कहती है कि वो पुलिस वाले भी प्रिंसिपल के साथ मिले हुए हैं इसलिए कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और ठीक इसी के लिए वो प्रिंसिपल उस ऑफिसर को पैसे दे रहा था कुछ दिन पहले और इसी के लिए उन बच्चों को मारा पीटा भी जा रहा था। और साथ ही सीओ ये भी बताती है कि योन जय प्रिंसिपल की स्टेप सिस्टर है और साथ ही उसकी लवर भी, इसलिए जब भी वो प्रिंसिपल किसी बच्चे को अब्यूज करता है तो योन जय उन सबको मारती है। तो वही सीन यहाँ से शिफ्ट होती है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर उस लड़की को ले जाने के लिए ये सभी लोग जाते हैं। एंड दैट मीन्स कि उस लड़की की जान खतरे में होती है, इसलिए कैंग सीधा हॉस्पिटल की ओर भागता है उस लड़की को बचाने। और जब ये दोनों वहाँ पर जाते हैं तो वो लड़की वहाँ से गायब होती है, एक तरह से इन्होंने यहाँ पर आने में थोड़ी सी देर कर दी होती है, इसलिए मिस्टर कैंग सीधा स्कूल की ओर भागते हैं योंडू को बचाने के लिए। पर सीओ उसे रोक देती है ऐसा करने के लिए क्योंकि योंडू उन सभी से बचने के लिए अलमारी में छुपी होती है। और ये दोनों उसे लेकर जाते हैं ह्यूमन राइट सेंटर, जहां पर सीओ उसके बयान को रिकॉर्ड करती है ताकि वो ऑफिशियली एक सबूत के साथ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सके इन सब के बारे में। और योंडू अपनी हॉरिफाइंग स्टोरी इन सब के सामने रखती है जो कि किसी भी जिंदा इंसान को गुस्सा दिलाने के लिए काफी है, और बताती है कि किस तरह से उसके प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उसे गंदी फिल्म दिखाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, जिससे बचने के लिए जब वो वहां से भागकर टॉयलेट में गई तो वो कमीना वहां पर भी आया उसको अब्यूज करने के लिए। और ठीक इसी की चीखों की आवाज को सुनता है मिस्टर कैंग उस दिन। और सेम ऐसा ही यूरी के साथ भी हुआ होता है और इस हॉरिफाइंग घटना को अपनी आंखों से देखा होता है योंडू ने कि किस तरह से वो प्रिंसिपल यूरी का रेप कर रहा था। और जब योंडू वहां से भागने लगती है तो उसके पीछे पड़ जाता है वो प्रिंसिपल और उसे जान से मारने की धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी ये बात बताई तो वो उसे जान से मार डालेगा। और ये हॉरिफाइंग स्टोरी सुनकर मिस्टर कैंग खुद पर गुस्सा होता है कि अगर वो हिम्मत करके उस दिन बाथरूम में एंटर किया होता तो शायद वो पहले ही उन बच्चों को बचा लेता।
और अगले दिन सीओ जाती है थाने में रिपोर्ट लिखवाने, बट यहाँ पर एक बहुत ही घटिया मजाक होता है इसके साथ और ये ऑफिसर उसके केस को रजिस्टर करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि उस बच्चे का रेप स्कूल के खत्म होने के बाद हुआ था इसलिए ये उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। और उसे रिपोर्ट लिखवाने के लिए शहर के थाने में जाने के लिए कहती है और सीओ एग्जैक्टली वहीं से आई होती है जब वो लोग सेम ही रीजन बताकर उसकी रिपोर्ट को लिखने से मना कर देते हैं और इसलिए ये उस ऑफिसर पर भड़क जाती है कि बच्चों का रेप हो रहा है और वो लोग ज्यूरिडिक्शन का तमाशा लगाए हुए हैं। और एक बार फिर से वो शहर के थाने में जाती है इन सब के बारे में रिपोर्ट लिखवाने, जहाँ का हेड होता है ये करप्ट ऑफिसर और ये भी सेम ही तरह के बहाने बनाता है उसकी रिपोर्ट को ना लिखने के लिए। इवन कि जब वो उसे सबूत दिखाती है तो उसके बावजूद भी वो उसकी रिपोर्ट को लिखने से मना कर देता है, जिसे सीओ एक तरह से टूट सी जाती है कि कैसे बकवास कानून है जो कि गुनहगारों को बचा रही है। और इसे यहाँ पर कॉल आती है मिस्टर कैंग से, जिसने एक मीडिया चैनल से बात की होती है अपनी बात को सब तक पहुँचाने के लिए और ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट करते हैं लाइव टीवी पर, जहाँ पर रिपोर्टर किम से उसके भाई के बारे में पूछता है कि जब उसके भाई की ट्रेन से कटकर मौत हुई थी तो वो रेल रोड के पास क्या करने गया था। और मिनसो उसे बताता है कि उसके टीचर मिस्टर पार्क बुयुन उसे और उसके भाई को फोर्सफुली अपने घर ले गए और उन दोनों के कपड़े उतार कर उन्हें छूने लगे, जिसका विरोध करने पर वो मिनसो को बुरी तरह से मारता है और उसकी मारपीट की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब इसकी आंख खुलती है तो उसका भाई वहां पर नहीं होता और एक बार फिर से वही घिनौना कांड करता है वो कमीना उसके साथ। और ये पहली बार नहीं होता, उस टीचर ने उसके साथ स्कूल में भी कई बार ये सब किया होता है। और ये सारे बात टीवी में देखकर तो हर किसी का गुस्सा फूटता है और इस करप्ट ऑफिसर को प्रेशर में ही सही पर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता है अपनी नौकरी बचाने के लिए। बट जब वो लोग उसे पैसे देने की बात करते हैं तो ये उन्हें इन सब से निकलने का उपाय भी बताता है कि वो एक ऐसे वकील को हायर करें जो कि सबसे अच्छा हो और स्पेशली उस लॉयर को जिसकी जज से अच्छी खासी बनती हो। इन शॉर्ट ये इस केस को अपने फेवर में करने के लिए जज तक को खरीदने की बात करते हैं। और जब ट्रायल शुरू होती है तो उन क्रिमिनल के केस को एक ऐसा लॉयर लेता है जो कि ऑलरेडी जज रह चुका होता है और ये सभी लोग उसके कहे हुए इंस्ट्रक्शन के बेस पर खुद को नॉट गिल्टी कहते हैं कि उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और एक तरह से हमें काफी इनजस्टिस देखने को मिलती है इस कोर्ट रूम के अंदर ही, जब सीओ एक इंटरप्रेटर की मांग करती है कि वो सभी लोग सुन नहीं सकते इसलिए कोर्ट उसकी बातों को साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए एक इंटरप्रेटर को बुलाए और इस बात पर जज उसे फोर्सफुली कोर्ट रूम से बाहर निकाल देता है, ये कहते हुए कि वो कोर्ट की कार्यवाही में दखल दे रही है। और जैसे ही कोर्ट की हियरिंग खत्म होती है तो इन्हें और भी घिनौने लोगों का सामना करना पड़ता है जो कि प्रिंसिपल को बचाने के लिए आगे आते हैं। और अगली हियरिंग में कुछ सबूत पेश किए जाते हैं उस केस को लेकर, जैसे कि ये वॉचमैन उन सभी लोगों को बचाने के लिए कहता है कि वो 5 साल से वहां पर काम कर रहा है और उसने कुछ भी ऐसा नहीं सुना और ना ही कुछ ऐसा देखा। पर इनके पास भी गवाह होता है उसकी बात को गलत साबित करने का, जैसे कि वो वॉचमैन जहां पर पहले काम किया करता था उसे इसलिए वहां से निकाल दिया गया क्योंकि उसने वहां पर चोरी की थी और वो झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर इस प्रिंसिपल को सजा हुई तो उसकी नौकरी चली जाएगी। और साथ ही ये डॉक्टर भी झूठ बोलती है कि जब योंडू को हॉस्पिटल लाया गया तो उसका एग्जामिन करने पर उसका हाइमेन पहले से ही ब्रेक हो गया था जो कि साइकिलिंग और मास्टरबेशन से भी हो सकता है। इन शॉर्ट ये कह रही होती है कि उसका रेप नहीं हुआ, बट इनके पास भी इसी डॉक्टर की बनाई हुई पहली रिपोर्ट होती है जिसमें उसने रेप वाली बात को क्लियरली मेंशन किया होता है कि योंडू के साथ वो सब हुआ है। और इसलिए जज उसे पूछता है कि जब उसने अपनी पहली रिपोर्ट में ये रेप वाली बात लिखी है तो उसने दूसरी रिपोर्ट क्यों बनाई, जिस पर ये डॉक्टर एक तरह से फंस जाती है और सच बताती है कि उसे नहीं लगा था कि ये केस इतना बड़ा बन जाएगा। एक तरह से इस पर दबाव बनाया गया होता है उस झूठी रिपोर्ट को बनाने का, उस रेप वाली बात को छुपाने के लिए। और ये डॉक्टर बताती है कि उस बच्चे का हाइमेन 5-6 साल पहले ही ब्रेक हो गया था और इसलिए उसे लगा कि ये सब सिर्फ उसका एक भ्रम है, कोई इतने छोटे से बच्चे के साथ ये सब थोड़ी ना करेगा। और इस बात पर ये वकील कहता है कि किसी के मंजूरी के बिना कोई भी ये सब नहीं कर सकता और उसके इस इनसेंसिटिव बयान पर कोर्ट में उठती है आवाज और कोर्ट को यहीं पर स्थगित कर दिया जाता है एक दिन के लिए। और अगली ट्रायल में गवाह के रूप में पेश किया जाता है यूरी को, जो कि बताती है कि उसके साथ ये बहुत पहले से हो रहा है, जब से वो 3rd grade में पहुंची तब से। और सीन यहाँ से उसकी हॉरिबल मेमोरी को दिखाती है जब उसके साथ ये सब हो रहा था, जिसको झूठ बोलकर आवाज उठाता है ये प्रिंसिपल कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया उसके साथ। और इस दिन की ट्रायल भी यहाँ पर फिर से खत्म हो जाती है शोर की वजह से। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है इन लोगों की तरफ जो कि बात कर रहे होते हैं सेटलमेंट करने की, कि अगर वो लोग इनके पेरेंट्स को सेटलमेंट करने के लिए मना लेंगे तो वो सब कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोरियन लॉ के अनुसार जो बच्चे 13 साल के अंदर होते हैं उनके पेरेंट्स इस तरह के केस को सेटल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और ठीक यहीं पर मिस्टर कैंग को कॉल आती है उसके प्रोफेसर से, जहां पर जब उसे मिलने के लिए जाता है तो सेम इसके पास आया होता है उस प्रिंसिपल का वकील और मिस्टर कैंग को ढेर सारे पैसे ऑफर करता है एक परमानेंट जॉब के साथ अगर वो उन बच्चों के केस को ड्रॉप कर ले। बट मिस्टर कैंग इतने भी बिकाऊ नहीं होते कि वो पैसों के लिए उन बच्चों का साथ छोड़ दे, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है निकल कर।
और इस बात पर ये वकील उसकी बेटी की बात को आगे रखता है कि अपनी ना सही तो कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। और इस बात का गुस्सा मिस्टर कैंग अपनी कार पर उतारता है क्योंकि वो लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहे होते हैं। और अगली मॉर्निंग इन्हें पता चलता है कि उन तीनों में से किम और यूरी के पेरेंट्स ने इस केस को यहीं पर सेटल कर लिया होता है, जिससे बच जाती है सिर्फ योंडू जिसके पेरेंट्स नहीं होते। इसलिए मिस्टर कैंग उसके लिए सब कुछ करते हैं उसे इंसाफ दिलाने के लिए। और इसे भी रोकने के लिए इसकी मॉम आती है कि अपनी बेटी का ध्यान रखने की जगह वो ये सब कर रहा है और इसे एक तरह से फोर्स करने लगती है अपने साथ चलने के लिए। बट मिस्टर कैंग कहते हैं कि नहीं, अगर मैं इस बच्चे का साथ नहीं दे पाया तो एक अच्छा डैड तो कतई नहीं बन पाऊंगा। और योंडू को कोर्ट के अंदर ले जाता है उसकी गवाही के लिए, जहां पर उसे टेस्टिफाई करना होता है कि किस पर्सन ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी, जो कि एक तरह से डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये दोनों ही एग्जैक्टली सेम टू सेम होते हैं। इसलिए योंडू उनके पास जाकर साइन लैंग्वेज यूज करती है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि उस प्रिंसिपल ने की थी। और साइन लैंग्वेज को सिर्फ वही प्रिंसिपल समझ पाता है जिसने वो किया था, जिससे बचाव पक्ष एक बार फिर से आगे आता है ये कहते हुए कि योंडू ने अपने बयान में ये कहा है कि जब ये सब हो रहा था तो वहां पर एक म्यूजिक भी बज रहा था। और कोर्ट के सामने ये बात रखता है कि जो लड़की बोल और सुन नहीं सकती वो कैसे किसी की चीखों की आवाज़ सुनेगी। और एक तरह से ये इस केस को ही झूठा बताता है कि ये सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए ये सब कह रही है, जिस पर योंडू कहती है कि वो म्यूजिक सुन सकती है। इसलिए इस बात की भी जांच होती है कोर्ट रूम में ही म्यूजिक प्ले करके। और योंडू को अपना हाथ खड़ा करने के लिए कहा जाता है जैसे ही उसे म्यूजिक सुनाई दे, एंड ऑफ कोर्स वो ऐसा करती भी है जिससे कोर्ट को उसकी गवाही माननी ही पड़ती है। और जल्दी ही फैसले का भी दिन आता है, इसलिए किम से भी गवाही देने की बात करता है कि वो भी कोर्ट में गवाही देगा योंडू के जैसे। बट मिस्टर कैंग कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ने उसके केस को सेटल कर ली होती है उस दूसरे पक्ष के साथ। इसलिए किम सु यहाँ पर काफी रोता है कि वो कौन होती है उसे माफ करने वाली, गलत तो उसके साथ हुआ है और वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। और साथ ही यहाँ पर योंडू मिस्टर कैंग को एक और बात बताती है उस प्रिंसिपल ऑफिस के बारे में, जिससे ये रात को ही 1 बजे उसी स्कूल में जाते हैं उस सबूत को लेने के लिए जो कि होता है एक सीसीटीवी कैमरा, और इसमें वो सारी घटना रिकॉर्ड हुई होती है। इसलिए वो सबूत अपने वकील को देते हैं ताकि उन सबको सख्त से सख्त सजा मिल सके। और ठीक ऐसा ही ये लॉयर भी कहता है कि ये सबूत वो डायरेक्टली जज को दिखाएगा उन सबको सीवियर पनिशमेंट दिलवाने के लिए। और अगले दिन सुनाया जाता है फैसला, एक बहुत ही शर्मनाक फैसला जिसमें उन आरोपियों को सिर्फ 6 से 8 महीने की सजा होती है, बाकी का 1 से 2 साल उनका प्रोबेशन पीरियड होता है। और इस सब का रीजन होता है ये सेल्फिश लॉयर जिसने उस सबूत को जज को नहीं दिखाया होता सिर्फ पैसों की लालच में। और इस फैसले को लेकर कोर्ट में ही सब लोग भड़क जाते हैं उस जज के खिलाफ और साथ ही प्रोटेस्ट करते हैं उस वकील के अगेंस्ट जिसने उस केस से जुड़े सबूतों को मिटाने का काम किया होता है। और ये मूवी एक क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाती है कि क्या कभी उन बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा। और इसका आंसर मैं बताता हूँ कि हाँ, उन बच्चों को इंसाफ मिला जब ये मूवी रिलीज हुई। और इस मूवी के रिलीज होते ही उस देश में इतना गुस्सा उमड़ा कि जज को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी उस फैसले के लिए, और फिर से उस केस को रीओपन करवाया गया जिसमें उस प्रिंसिपल को 12 साल की सजा सुनाई गई और साथ ही उस स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया 2011 में। साथ ही कानून में ही बदलाव किए गए ताकि सख्त से सख्त सजा दी जा सके उस तरह के क्रिमिनल्स को। एंड आई बिलीव दिस इज द रियल पावर ऑफ मेकिंग मूवीज, जो कि सच को दुनिया के सामने लाने का ताकत रखती है। और अगर आप भी इस केस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस केस को आप विकिपीडिया पर डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।